की देने वाला गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है, आरोपी को बहादुरगढ़ लेकर आ रही है पुलिस। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी इस आरोपी द्वारा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड पर भी गहन पूछताछ इस आरोपी से की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नवीन सिंह राठी के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी और इसी बीच अब पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस बहादुरगढ़ लेकर आ रही है, जहां पर हत्या के इस पूरे मामले पर भी गहनता से पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ राठी परिवार को जो लगातार धमकी दी जा रही थी उस पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राठी परिवार को धमकी देने के मामले में पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इस आरोपी को फिलहाल राजस्थान से बहादुरगढ़ लाया जा रहा है, जहां हत्याकांड पर भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। राजस्थान से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राठी परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, अब आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल जागृति, राठी परिवार को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बहादुरगढ़ पुलिस की टीम ने राजस्थान के किसी इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है, इस बात की पुष्टि पुलिस ने कर दी है, लेकिन कहां से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार होने वाला आरोपी कौन है, किस गैंग से जुड़ा हुआ है या उसने फोन क्यों किया है, इन तमाम सवालों का जवाब आना भी बाकी है। पुलिस अधिकारियों से ना अभी कुछ देर पहले हमारी सिटी एसएचओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ करने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा कर पाएंगे। हाल फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।